नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा विकास और सुरक्षा है प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता, शिकायतों पर होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले के विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक। शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश, कहा सरकार की प्रमुखताओं में है सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी। कायाकल्प योजना के तहत 1 से 8 तक के कंपोजिट विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में किया जाएगा विकसित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा जनपद के 22 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया गहन निरीक्षण, कहा कोविड को टीम स्पिरिट से लड़कर दिया है उसको मात। जनपद के अधिकारियों द्वारा टीम स्पिरिट से ही लड़ी जा रही है कोविड से लड़ाई। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीबी रोग से ग्रसित 200 मरीजों को राशन किट का किया वितरण, कहा जनपद में हो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ताकि गोरखपुर क्षेत्र में हर व्यक्ति रहे स्वस्थ। और जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित अभिलेखागार, अर्बन सेलिंग कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय का किया निरीक्षण, अभिलेखागार में सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन के हॉल में प्रेस वार्ता करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समूह के रूप में गोरखपुर मंडल में भेजने का कार्य किया है। समीक्षा बैठक में विकास और सुरक्षा पर अधिकारियों से बातें की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही व्यवस्था व बिंदु है कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिले और वह सुरक्षित रहे, इसलिए जनपद स्तर के सभी अधिकारियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, परिवार कल्याण, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि मुद्दों पर बात की गई। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अस्पतालों में दवाइयों का उचित प्रबंध हो, कुत्ता व सांप के काटने की वैक्सीन भी मिले और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं ब्लॉक व तहसील में तैनात हैं रात्रि में प्रवास अपने अपने मुख्यालय पर रहने की व्यवस्था करें तथा थानों में रिपोर्ट लिखने का कार्य किया जाए। जो भी फरियादी थाने पर आए उनकी सबसे पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी और जिस थाने पर शिकायत आती है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार, बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री समूह भेजने का काम किया है गोरखपुर मंडल के लिए। कमिश्नरी में इसमें मंत्री समूह में हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माने गुलाब देवी जी हैं और गन्ना राज्य मंत्री भाई संजय सिंह जी गंगवार हैं। हम लोग कल से यहाँ पर हैं। आज समीक्षा बैठक में दो बातों पर समीक्षा हुई है, नंबर एक विकास और नंबर दो सुरक्षा। माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जी की यही दो व्यवस्थाएं हैं और ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिल जाए और वो सुरक्षित रहे, तो इसलिए जनपद स्तर के सभी जनपदीय स्तर के सभी अधिकारी और पुलिस से संबंधित SSP इन अधिकारियों से बात की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, परिवार कल्याण, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि पर बात की गई और आज हमारे द्वारा निर्देशित किया गया
कि सभी अस्पतालों में दवाई का उचित प्रबंध हो, कुत्ता काटने और सांप काटने की यहाँ वैक्सीन भी मिले। दूसरा, जो जनपद स्तर के अधिकारी ब्लॉक में तहसील में तैनात हैं, वो रात्रि को प्रवास अपने अपने मुख्यालय पर करने का काम करें, ये निर्देश दिया गया है। दूसरा, थानों में शिकायतें आती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिपोर्ट लिखने का काम किया जाए। जो भी फरियादी आवे, सबसे पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी और जहां से ये शिकायत आएगी कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश दिए। ये आपने संज्ञान में लाया है, वैसे आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ थे और डीएम से भी कहा है कि दवाओं का टोटा अस्पताल में किसी तरीके से ना रहे, ब्रांडेड दवाइयाँ मिलें, कोई दवा के अभाव में कोई मरीज वापस ना जाए। जो आपने जो मकड़ जाल की बात कही है, इसे बिल्कुल नहीं होने देंगे और इस पर कड़ाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कुछ भी नहीं छूटता है और जो कुछ आज हमने देखा है, ये सारी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि राशन वितरण प्रणाली ठीक से हो, अभी राशन कार्ड बनने का काम हो, आयुष्मान योजना के अंतर्गत अभी राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता है। डीएम ने आश्वस्त किया है ऐसे गरीबों को जिनका राशन कार्ड नहीं, वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उसको भी बनाने का काम करेंगे। आज हमने राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं कि वो राशन कार्ड बनाने का काम करें, और जिनके अभी गरीबों के आवास नहीं बने और आवासहीन हैं, रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना योगी सरकार की प्राथमिकता है, ऐसे आवासहीनों के, आवासहीन व्यक्तियों के आवास प्राथमिकता पे बनाए जाने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री की नज़र से अब कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी आज बात हुई है और चाहे ग्रामीण परिवेश गांव हो हमारे या नगर हो, सारी तरीके से पूरी तरीके से कहा है कि जून तक नालों की सफाई हो जाएगी, जल निकासी का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। जो स्वच्छता कर्मी हैं हर गांव पंचायत में, वो स्वच्छता करने का काम करेंगे। नगर में भी इसी तरीके का प्रबंध होगा। आज हमने इस बात को, जो आप प्रश्न उठा रहे हो, जिलाधिकारी से कह दिया, इसको सुनिश्चित करेंगे वो। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा संग्रह का एक अभियान चलाया। हर जनपद में भूसा बैंक बनी है और अभी भी माननीय विधायकों से हमने आग्रह किया है कि 10-10 कुंटल भूसा गोरखपुर के माननीय विधायक दान करने का काम करें। उन्होंने कहा है कि हम दान भी करेंगे और हमारी जो निराश्रित गौवंश है, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या में इस बार विधानसभा के चुनाव में अहम मुद्दा था, तो एक वर्ष के अंदर निराश्रित गौवंश को हम आश्रय स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। गौशालाओं का हम इसमें समाज का भी सहयोग लेंगे, मेरे सरकारी व्यवस्था से ये काम नहीं चल सकता, समाज के सहयोग से भी काम होगा। तो अब हम ये गौशालाओं को दूध देने वाली भी गौशालाएं बनाएंगे। बरेली में एक मॉडल के रूप में हम एक कंपनी गोबर से सीएनजी गैस बनाएगी और किसानों का गोबर 1.5 रुपये किलो खरीदेगी, तो ये गोबर जब बिकने लगेगा तो हम समझते हैं कि किसान गायों को या और जानवरों को छोड़ने का काम नहीं करेगा। अब निश्चिंत मान रही है कि हम गौवंश को पूरा आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उन्हें चारे इत्यादि का, पानी का, रहने का भी सुदृढ़ प्रबंध करेंगे। अभी डीएम से कह दिया है, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में आज डीएम को कहा है और अभी गोरखपुर के लिए ये विशेष सीबीओ से कह दिया है कि वो जहां गए हैं उनको चिन्हित करने का काम करेंगे और गौशालाओं को भी, आज मैं गौशाला देखने भी जाऊंगा। आज डीएम को कह दिया कि टेंडर करें, टेंडर में थोड़ा विलंब तो हुआ है। धन्यवाद।
प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा एवं जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक किया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी सरकार की प्रमुखताओं में से एक है। शासन की नीतियों निर्णयों का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो और शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आम जनमानस शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हों। योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी अवश्य दी जाए क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले और सत्यापनोपरांत अपात्रों का नाम सूची से पृथक किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी पात्रों को आवास से आच्छादित करना भारत सरकार का सपना है, अतः कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित हो कि किसी भी योजना में बिचौलियों का प्रवेश कदापि न होने पाए। खाद्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन कार्ड धारकों को गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। राशन वितरण प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि रिक्त कोटे की दुकानों को शीघ्र भरा जाए तथा आवंटन में महिला स्वयं सहायता समूहों को वरीयता प्रदान की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री कहा कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए और सभी पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जाए तथा शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाए। यह योजना गरीबों को जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य प्रदान करना हम सब का नैतिक दायित्व है। कार्य पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा तथा टीम भावना के साथ किए जाएं ताकि उसके बेहतर से बेहतर परिणाम परिलक्षित होंगे। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी मरीज दवा के अभाव में वापस ना जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति अवश्य बनी रहे। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन नहीं होने चाहिए और स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और अस्पतालों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित हो कि जनपद पूरी तरह कुपोषण मुक्त रहे। इस हेतु एक अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण की श्रेणी में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सक, SDM, CO, तहसीलदार अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें ताकि जन समस्याओं के निराकरण में सुगमता हो सके। अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन अवश्य अटेंड करें तथा उनके समस्याओं का गुणवत्ता युक्त निस्तारण समयबद्ध ढंग से करें। निराश्रित गो आश्रय स्थल की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी गो आश्रय स्थलों पर चारा, पानी, छाया आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा इसका निरंतर निरीक्षण किया जाए और अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करें। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों में सभी जनप्रतिनिधि तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भूसा दान करें और ऐसे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाए क्योंकि किसी भी योजना की सफलता में जन सहयोग आवश्यक होता है। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि वरासत के मामलों को प्रमुखता के आधार पर शिविर आयोजित कर निपटाया जाए और चक्रोट, तालाब के पट्टों आदि के मामले विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्तियों पर यदि कहीं भी अतिक्रमण पाया जाए तो उसे तत्कालिक प्रभाव से हटवाते हुए अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति वितरण व्यवस्था बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाए तथा खराब ट्रांसफार्मरों को 48
घंटे के अंदर बदल दिए जाए। सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि नई सड़कों पर कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, अधूरी सड़कों को पूरा किया जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत अति शीघ्र कराया जाए ताकि जनमानस का आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग यूपी सीडी को तथा एनएचआई को निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत तथा गुणवत्ता युक्त निर्माण पूर्ण करें। शिक्षा विभाग के संबंध में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाए तथा उन्हें यूनिफॉर्म, जूता, मोजा आदि समय से उपलब्ध करा दे और स्कूलों में छात्रों की 100% उपस्थिति होनी चाहिए। प्रदेश सरकार विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निरंतर तत्पर है तथा इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित की है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांवों में जल निकासी की व्यवस्था ठीक की जाए, नालियों की सफाई कराई जाए, तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए और सभी गाँव में सफाई कर्मी की तैनाती होनी चाहिए ताकि गाँव की साफ सफाई बेहतर हो सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ के दृष्टिगत किए जाने वाले सभी कार्यों को जून माह तक पूर्ण कर लिया जाए तथा महानगर को जल जमाव से निजात दिलाने हेतु सभी नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले पूर्ण कर ली जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कहा कि यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि निर्देशों का 100% अनुपालन ढंग से किया जाएगा। बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रभारी मंत्री जुट के हैं और एक राजमंत्री, तीनों विभाग अलग अलग माध्यमिक शिक्षा, पशु कल्याण, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा, अभी शहरी सीमाने शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक में बेहतर माना जाता है। ये बैठक जो काम की समीक्षा की बैठक थी और आगे जो काम में बाधित है उसको पूरा किया जाए, हर एक एक विभाग के हर एक एक मुद्दे पर इसकी समीक्षा की गई। जैसे हर विभाग में जैसे पीडब्ल्यूडी से जो जो जितने विभाग हैं जिसमें जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा और जो आगे काम होने हैं उसकी समीक्षा, सब पे विचार किया गया, सब अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
शासन के निर्देश पर जनपद के 22 परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें से 21 विद्यालय में कक्षा 8 जबकि 1 में 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इनका चयन प्रत्येक ब्लॉक व नगर क्षेत्र से पूर्व में संचालित कंपोजिट विद्यालय में से किया जाएगा। कक्षा 8 तक के विद्यालय का नाम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय होगा। इस तरह जनपद में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के एक कंपोजिट विद्यालय को उच्चीकृत किया जाएगा, जो आदर्श विद्यालय नाम से जाना जाएगा। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। कायाकल्प योजना के तहत 1 से 8 तक के कंपोजिट विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। उसमें से 176 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। उसमें स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, शौचालय, स्टाफ रूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा इसमें शैक्षिक एवं खेल कूद संबंधी मल्टी डायमेंशनल और मल्टी स्कूल स्पेस का भी प्रावधान होगा और स्कूल में अच्छा प्रवेश मिले इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि वहां पर बच्चों को उच्च कोटि की पढ़ाई मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, द्वारा निर्देशित किया गया है और उसी के क्रम में हम लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, जहाँ पे 1 से 8 तक हमारे कंपोजिट विद्यालय चल रहे हैं, जिनका संविलियन गत वर्ष में किया गया था, उनको एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है कायाकल्प योजना के तहत। उसी के लिए हम लोगों ने 176 स्कूलों का चयनित किया है और उनको एक उनमें स्मार्ट क्लास, अतिरिक्त कक्षाएँ, फर्नीचर की व्यवस्था और अच्छा परिवेश मिले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और उनमें शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि गतिविधियों में भी कार्य किया जाएगा, ताकि वहाँ उच्च कोटि की पढ़ाई बच्चों की हो सके। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा विकास और सुरक्षा है प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता, शिकायतों पर होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले के विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक, शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश, कहा सरकार की प्रमुखताओं में है सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी। कायाकल्प योजना के तहत 1 से 8 तक के कंपोजिट विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में किया जाएगा विकसित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जनपद के 22 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया गहन निरीक्षण, कहा कोविड को टीम स्पिरिट से लड़कर दिया है उसको मात। जनपद के अधिकारियों द्वारा टीम स्पिरिट से ही लड़ी जा रही है कोविड से लड़ाई। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीबी रोग से ग्रसित 200 मरीजों को राशन किट का किया वितरण, कहा जनपद में हो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ताकि गोरखपुर क्षेत्र में हर व्यक्ति रहे स्वस्थ। और जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित अभिलेखागार, अर्बन सीलिंग कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय का किया निरीक्षण, अभिलेखागार में सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के दिए निर्देश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, विकास मंत्री संजय गंगवार ने कलेक्ट्रेट स्थित कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम IGRS कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सजगता जागरूकता दोनों के माध्यम से ही यहाँ के अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा जिलाधिकारी CMO सहित कई अधिकारी टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और कोविड का सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही लड़ाई लड़ी गई है और लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनको भी कंट्रोल रूम से फोन के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, ADM City विनीत कुमार सिंह, ADM Finance राजेश कुमार सिंह, CRO सुशील गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, CMO आशुतोष दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास तथा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सर इस वक्त हमारे पास 22 लाइन हैं, करीब जो है हमारे पास 40 सीट्स हैं और 50 कर्मचारी काम करते हैं। इस वक्त सर हम यहाँ पर जो है बेसिकली जो है कोविड कंट्रोल से हम यहाँ पे सर जो है जिनको वैक्सीनेशन है जिनकी सेकंड डोज नहीं लगी है सर उन्हीं को कॉल करा रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। हम सर उधर से हमारी सीट है सर, मास्क बना लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे लिए। पुराने हमारे वाले हो जिसमें बीमारी दूर रही है सामने से कोविन पोर्टल है, कोविन पोर्टल जल्दी भी है जी, इसको डोज लग गई नहीं है उसको आप सूचना देंगे सर? सब लोगों को पता है, सबके पास मैसेज जाता है, यहाँ से फोन भी कराते हैं, लेकिन लोग जब कोविड सर नहीं रहता है तो जनरली लोग लगवाने नहीं आते। तो आगे पहले सर यहाँ पे कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं, पहले सर यहाँ से कॉन्टेक्ट करते मैडम, जो लोग पॉजिटिव आ जाते थे तो उनसे फोन करके उनसे ये पूछा जाता था कि आप किसके संपर्क में आए थे, तो वहाँ से सर हमारी आर टी की जाती है। लेकिन सर जब कंट्रोल हो गया तो सर ने आदेश ये किया कि यहाँ से जो है क्योंकि हमारे पास जो है अधिकतर 3 लाख लोग व्यू हैं जिनको वैक्सीन लगानी है, लेकिन वो लोग इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स आ नहीं रहे हैं। तो सर ने का एक ये कोविन पोर्टल से लिस्ट निकाली जाती है डेली और इनको दे दिया जाता है कि ये लोग डेली करीब 2000 लोगों से सूचना आया है सर। वहाँ पे हमारा श्रीवांश सेंटर है, यहाँ पे फोन आता है बेटर के पास आगे चले। ऑक्सीजन कहाँ उपलब्ध कराते हो? ऑक्सीजन सर जो है हमारे जहाँ पर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल जो बना रखे हैं वहाँ पे ये सर जैसे यहाँ पर है। कहाँ से आई? बढ़लगंज से है, गोरखपुर से है सर, वैक्सीन संबंधी जानकारी लेने के लिए बूस्टर डोज लगवाना। कोविड का तो नहीं है? कोविड का नहीं सर, कोविड का तो नहीं है। 24 घंटे तो कह दिया सर, मॉर्निंग में 8 से तो हम लोगों की ड्यूटी होती है, फिर 2 से 8 होती है, फिर 8 से मॉर्निंग आते हैं सुबह जी सर। जो कंप्लेंट आता है उसको हम लोग शिकायतों को निकाल करके और संबंधित को भेजते हैं, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसको हम लोग यहाँ से चेक भी कराते हैं और यहाँ से सर उस शिकायतकर्ता से फोन से वो भी लेते हैं फीडबैक कि उसका समाधान हुआ कि नहीं, अगर उसकी कोई कमी रहती है तो हम लोग यहीं से उसको वापस कर देते हैं या फाइनली जब शिकायत को पूरा उसका समाधान हो जाता है तब हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये भी माना है
इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण से ये पता लगा, सजगता और जागरूकता दोनों ही हैं यहाँ सीएमओ के द्वारा, हमारे एडीएम प्रशासन और जिलाधिकारी सारे सब मिलकर एक टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और इसमें कोविड का सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही इससे लड़ाई इसकी लड़ाई लड़ी भी गई है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी दो मंत्रियों के साथ अपने साथ टीम स्पिरिट से मैं आया हूँ। मेरे साथ माने गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, माने संजय सिंह गंगवार जो गन्ना राज्य मंत्री हैं, तो हम लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। देखिए अभी सीएमओ ने अवगत कराया जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको यहाँ से टेलीफोन के माध्यम से सूचना कराई जा रही है और उनको अवेयर किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगवाओ और वो वैक्सीन लगवाएंगे। धन्यवाद। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार के द्वारा क्षय रोग से ग्रसित 200 मरीजों को सर्किट हाउस में राशन किट का वितरण किया गया, जिसके संबंध में पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने बताया कि अक्षय पात्र संस्था बीमार व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था कराती है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में बेहतर स्वास्थ्य की चिंता की जाए ताकि गोरखपुर क्षेत्र में हर व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य मिले। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, क्षय रोग विभाग मुख्य अधिकारी रामेश्वर मिश्रा तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? अक्षय पात्र के माध्यम से उन बीमार व्यक्ति जिनको भोजन की समस्या रहती है, एक संस्था मथुरा की, वो अपने माध्यम से ये वितरण कराते और हम लोगों ने आज उसके वितरण किया है। हमारे साथ हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं, सहयोगी संजय सिंह जी गंगवार गन्ना राज्य मंत्री हैं, विधायक जी भी हैं। तो इस तरीके से सीएमओ ये गोरखपुर वगैरह सभी ने, और ये कहा भी है हमने आज कमिश्नर और डीआईजी के साथ वार्ता करके, बेहतर स्वास्थ्य की चिंता की जाए, हर व्यक्ति का गोरखपुर क्षेत्र में बढ़िया स्वास्थ्य हो। जनपद के प्रभारी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के साथ कलेक्ट्रेट में स्थित अभिलेखागार, अर्बन सेलिंग कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यों को देखा। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने एक एक पटल पर जाकर कार्यों की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने अभिलेखा गार का निरीक्षण व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखागार में सफाई व्यवस्था और बेहतर करने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारीगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिकॉर्ड सभी है सर हमारे पास, लेकिन ये है कि पूरा शिफ्टिंग चल रहा है सर, अभी टेम्परेरी शिफ्टिंग चल रहा है।
अभी रजिस्टर नहीं होता सर, चार प्रॉपर्टीज हैं सर उसका, हमारे अभी प्रस्तुत करेंगे सर। जो नवाब लोग हैं यस सर, पेंशन गाड़ी पीछे वहाँ चलना वहाँ चलिए कार्टून पुराना है सर, बहुत पुराना, अभी नया बिल्डिंग डिजाइन फाइनल हो गया, जी हो गया, पैसा मिल गया। सीओ साहब रिकॉर्ड रूम में दौड़ के पहुँचे, ये थोड़ा सा इन लोगों को बगल कर आपका एक हॉस्पिटल है सर, इसमें सर जैसे हमारे शहर की कम्युनिटी के सर्वे कर अर्बन सीविंग का सर, संपत्ति का और मजदूर की संपत्ति का पूरा ब्यौरा अत्यावरी स्थिति के साथ काफ़ी गंभीर अतिक्रमण मामले संज्ञान में आए और उसमें हम लोग सभी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अतिक्रमण हटाने की अभियान चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका निरीक्षण किया और कार्रवाई बढ़िया चल रही है, उसमें हम लोग सफलता प्राप्त कर आपका क्या नाम है? सर आपका कार्यालय है कौन कौन से काम देखते हैं? सर हम यहाँ हासिल प्रमाण पत्र देखते हैं। और हासिल प्रमाण पत्र कितने दिन में देते हैं? सर वो जैसे ही कार्यालय में आ जाता है आप आवेदन कर जाते हैं, अपना एक टाइम कितना लगता है? 15 दिन के अंदर सर। पीएम साहब का यस सर, दिन ज़्यादा नहीं है सर, वो एक्चुअली बहुत सारे गारंटी अधिनियम में देखा हमने बात नहीं, अब ये क्या है सर, ये 15 दिन की ज़्यादा थोड़ा सा रिपोर्ट जल्दी बनाओ और हैसियत प्रमाण पत्र किसी काम से आदमी लेता हो, सारी औपचारिकताएँ यदि खाली जरूरी हैं तो हैसियत प्रमाण पत्र दे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा विकास और सुरक्षा है प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकता, शिकायतों पर होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले के विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक, शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश, कहा सरकार की प्रमुखताओं में है सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी। कायाकल्प योजना के तहत 1 से 8 तक के कंपोजिट विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में किया जाएगा विकसित, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा जनपद के 22 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया गहन निरीक्षण, कहा कोविड को टीम स्पिरिट से लड़कर दिया है उसको मात, जनपद के अधिकारियों द्वारा टीम स्पिरिट से ही लड़ी जा रही है कोविड से लड़ाई। अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीबी रोग से ग्रसित 200 मरीजों को राशन किट का किया वितरण, कहा जनपद में हो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ताकि गोरखपुर क्षेत्र में हर व्यक्ति रहे स्वस्थ। और जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित अभिलेखागार, अर्बन सीलिंग कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय का किया निरीक्षण, अभिलेखागार में सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के दिए निर्देश। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।